दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। सर्वांशम हमने कल बताया एक त्रिभुज को दूसरे पर रखो, दूसरे को पहले पर रखो, उसके सारे भाग आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज के छह भाग होते हैं, तीन भुजाएं एक कोण। दो त्रिभुज अगर सर्वांशम है तो दो त्रिभुज की एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं को बराबर होगी, और एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों को बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें छह चीजें बराबर करनी पड़ रही, तो कुछ नियम बनाए गए पाए गए। वो नियम ये देखा गया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो तीन ही चीजें देखी हमने, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाते। देखिए क्या मतलब कहने का, एक त्रिभुज ये है हमारे पास ए बी, दूसरा त्रिभुज ये एक्स वाई जेड, इसमें इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और इन भुजाओं के मध्य कोण इन भुजाओं के मध्य कोण के बराबर। यदि दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, ये दोनों सर्वांशम होंगे कब, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और उनका अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण यह है दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं सर्वांशम। यानी त्रिभुज ए बी सी हमने नाम लिखने का तरीका बताया था, तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में अगर हमने ये स्थिति पाई कि ए बी बराबर है एक्स वाई और ए सी बराबर है एक्स जेड, और कोण ए जो है जो इन दोनों भुजाओं के बीच में बनता है वो दूसरे त्रिभुज की उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण के बराबर, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाता है एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नो सर। और ये जो सर्वांशम, यानी अगर हमें ऐसी स्थिति मिल जाए कि दो भुजा एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे कौन से नियम से, एस ए एस एस ए, यानी भुजा कोण भुजा, भाई एस फॉर साइड, हिंदी में कहते हैं इसको साइड भुजा साइड कोण भुजा साइड एंगल साइड नहीं, और अंग्रेजी में कहते हैं इसे एस ए एस भुजा को, क्योंकि अंग्रेजी में क्या कहते हैं साइड एंगल साइड एंगल, ठीक है, तो साइड एंगल साइड सर्वांशम। दस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे सर्वांगसम, और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। यानी तीन चीजों से तो हमने इन्हें सर्वांगसम कर लिया, और जब ये तीन चीजों से सर्वांगसम हो गए तो इनके बाकी के जो तीन भाग बचे वो भी आपस में, तो तीन कौन कौन से बचे बाकी के, एक तो ये वाली भुजा बची बी सी बराबर वाई जेड, एक ये वाला कौन क्यों, और ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए कोण बी बराबर कोण वाई कोण वाई, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण जेड के। दो त्रिभुजों को नियम लगा के, कौन सा नियम लगाया, नियम पहले से बनाया होगा किसी ने, अभी गिरीज लिखा है तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, कागज से काट काट के बनाए होंगे उन्होंने, पहले दो भुजाएं एक कोण बराबर लिया, फिर दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण बराबर लिया, और देखा कि दोनों त्रिभुज कैसे आ रहे थे सर, नियम बन गया कि जब भी आपको दो भुजाएं एक कोण बराबर मिलेंगे दोनों त्रिभुजों को क्या कह दोगे सर्वांशम। तो तीन चीजों से ही तो आपने सर्वांशम कर दिया इसको, बाकी की तीन भी तो बची, एक ये वाली भुजा बची इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी, और एक ये दो कोण बचे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इन तीन चीजों को लगाकर जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कर लिया तो बाकी के तीन भाग भी आपस में समान होंगे। तो तीन कौन से बचे, बीसी, बीसी किसके सामने है कोण ए के सामने, ए किसके बराबर है एक्स के, तो एक्स के सामने जो भुजा है वो संगत हो जाएगी बीसी के सामने भुजा के, यानी बीसी बराबर होगा किसके, और ये लिखने के लिए जब हमने बराबर लिखा सर्वांगसम करने के बाद लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांगसम, जब सर्वांगसम कह चुके आप, सर्वांगसम कह दिया ना आपने नियम के सहायता से, तो इसके बाकी के सारे ये तो सारे भाग आपस में बराबर होंगे, तो तीन तो पहले बराबर पता थे तो बाकी के तीन भी बराबर होंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग
समान होते। अच्छा ये बताओ इसके लिए छोटा सा मैंने लिखवाया था सीपीसी, इतनी लंबी लाइन लिखने की जगह आप छोटा सा भी लिख दोगे सीपीसीटी तो भी काम चल जाए। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वर्ट ट्राइंगल आर इक्वल, सीपीएस जो बोल रहे हो वो हाई स्कूल में होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ये है सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग समता को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं इसलिए सी लिखा हुआ है। आगे से हम ये वाली बात नहीं लिखा करेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो, खाली क्या लिखा करेंगे सीपीसीटी का मतलब भी यही है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए तो भाई तीन तो बराबर थे बाकी के तीन भी बराबर होंगे, यही सवाल होंगे एग्जाम में किताबों में कि नियम की सहायता से सर्वांगसम सिद्ध करवाएगा और आप बाकी के जो तीन भाग होंगे उनको बराबर कह देंगे और बराबर जब कहेंगे क्या लिख देंगे उसके आगे सीपीसीटी। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है कि सर्वांग ये ए एस ए सर्वांग समता नियम कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ए बी सी, पी क्यू आर कब होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण, पहले तो दो बुझाएं थी अब दो कोण कर रहा है, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण आर के बराबर और कह रहा है कि उनके अंतर्गत भुजा दो कोणों के अंतर्गत भुजा ये तो आ रही है इसमें दो कोण बन रहे हैं, ये दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अंतर्गत भुजा के बराबर हो तब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, तब भी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांगसम। क्या क्या बताया इसने, ये त्रिभुज कौन से त्रिभुज में झांक रहे हैं ए बी सी तथा पी क्यू आर, क्या क्या है कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है और बी सी भुजा बराबर है क्यू आर के, तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग कौन से नियम से होगा ये एंगल साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाकी के तीन भाग भी बराबर आ जाएंगे, बाकी तीन कौन कौन से बचे AB बचा। अब हमें कैसे पता लगा कि AB जो है PQ के बराबर है AB PR के बराबर, संगत वाले बराबर होते हैं ना, संगतता का निर्धारण कोण करेगा, ये वाला कोण इसके बराबर है तो इस कोण के सामने वाले भुजा इस कोण के सामने वाले भुजा के बराबर, AB ये कोण इसके बराबर है तो इस कोण के सामने की भुजा इस कोण के सामने की भुजा बराबर, और तीसरी कौन बचा, अब खाली कोण ए बच रहा है, कोण ए किसके बराबर होगा पी के, और इसको खाली कहने के लिए क्या लिख दूं मैं मतलब समझ में आ रहा है इसका, क्योंकि दो तीन बातों से हमने दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए ये नियम था और जब सर्वांगसम हो गए तो फिर बाकी के तीन भी आपस में बराबर, तो एग्जाम में सवाल आपको वो कोई तीन चीजें बराबर देगा वो कौन सी है वो देख के पता लगेगा, उससे हम त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे और वो कहेगा सिद्ध करोगी, तो कभी भुजाएं बराबर पूछ लेगा कभी कोण बराबर पूछ लेगा, ये समझ लो सवाल ही बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप मैं सवाल कराऊंगा तो बिल्कुल इसी पद्धति पर आपका सवाल आ लूंगा वो जब करोगे तो आपको सब स्पष्ट दिखाई देगा। अब अगला आ गया ए ए एस सर्वांगसम, अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें भी दो कोण है इसमें भी दो कोण है इसमें भी दो कोण एक भुजा है इसमें भी दो कोण एक भुजा है, ये क्या बात हुई देखते हैं, पी क्यू आर इसमें ये कह रहे हैं कि ये वाला कोण तो इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, अंतर्गत वाली बराबर नहीं है, अंतर्गत से अलग जो दो भुजाएं उनमें से कोई एक भुजा इसके अंतर समझ में आ गया, इसमें दो कोण जो बराबर दे रखे थे उनके अंतर्गत भुजाएं बराबर थी, इसमें जो दो कोण बराबर दे रखे हैं दूसरे त्रिभुज के दो कोण के तो इनके जो अंतर्गत भुजाएं हैं वो आपस बराबर नहीं है, उसके अलावा जो भुजा है वो बराबर, तब भी दोनों त्रिभुज
सर्वांगसम हो जाए, यानी त्रिभुज लिखने का तरीका ये बता रहा हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज जेड एक्स वाई में यदि अगर कोण क्यू बराबर है कोण एक्स के कोण आर बराबर है कोण वाई और पी आर बराबर है जेड वाई में, तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा। अब लिखते हुए एक बात ध्यान रखनी, पी क्यू आर लिख रहे हो तो क्यू एक्स के संगत है और आर वाई के, तो यहाँ लिखते हुए ये बात ध्यान रखनी है, क्यू आर जहाँ आ रहा है वहाँ एक्स वाई आएगा और वो पहले आ जाएगा। क्रम देखो ना, यहाँ तो पी क्यू आर है तो एक्स वाई जेड लिखना चाहिए, पी क्यू आर है तो एक्स वाई जेड लिखोगे ना, लेकिन ज्यामिति में जो कोण बराबर होते हैं जिस क्रम में लिखा है तो दूसरे त्रिभुज का नाम भी उसी क्रम में लिखना पड़ता है। तो ये कौन से नियम से सर्वांगसम हुए, एंगल एक साइड। अब जब ये सर्वांगसम हो गए तो बाकी के तीन भाग बराबर होंगे, कौन कौन से होंगे, कोण P बराबर कोण Z, QR बराबर XY, कोण तो QR तो भुजा है बेटा और XY भी भुजा है, और PQ बराबर ZX, तो ये तीन नियम हैं। और इसी तरह से हम सवाल हल करेंगे, और सवाल में जो कुछ भी बताएगा उसमें हमें ये तीनों में से कोई एक नियम ढूंढना है, तीनों में से एक नियम लग रहा होगा वो सवाल में ही उसने बता रखा होगा, नियम लगते ही हम सर्वांगसम कह देंगे और बाकी के तीन भागों को बराबर लिख देंगे, उसी से आपका उत्तर मिल जाएगा। नोट करिएगा।